माय चैनल जायका मसी भाई जैनब। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो बाइट्स और रेसिपी शेयर करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और चलते हैं जी अब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू लिए और इनको बॉयल करूँगी और ये जो रेसिपी आज मैं आपको बताने लगी हूँ सिर्फ ये 2 आलुओं से रेसिपी बनेगी और इसमें 3 ब्रेड के स्लाइस डलेंगे बस। और ये रेसिपी इतनी आसान है ना, बहुत ही मज़े के स्नैक्स तैयार होंगे। और जैसे ही आलू बॉयल हो जाएंगे फिर आपने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। मैश आपने इसको इतना अच्छा करना है कि ये लगे जैसे क्रीम है, इस तरह से आपने इसको आलू को मैश करना है। इसके बाद आप इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में नमक हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ओरिगैनो लीव्स आधा चाय का चम्मच और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ही साथ आपने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के आपने इसमें मैदा डालना है और फिर आप इसमें 3 ब्रेड के स्लाइस डालेंगे। किनारों को आप कट कर देंगे और फिर ये 3 स्लाइस आप इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है। जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने इसको गूंदना है। गूंदने के बाद ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से। और आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से ताकि ये हाथों पर चिपके ना। और इसके बाद आपने छोटे छोटे से 2 पेड़े लेने हैं इसके और फिर आपने इसको इस तरह से शेप देनी है जिस तरह वीडियो में नज़र आ रहा है सेम इसी तरह से आप इसको शेप देंगे। बहुत ही कम बजट में बनने वाली स्नैक्स हैं, लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आप छुरी से इसके छोटे छोटे पीस करेंगे और फोक की मदद से आप इसकी शेप बनाएंगे और फिर आपने इसको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, दोनों साइड से आप इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे और यकीन करेंगे 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है ना। और ये देख रहे हैं आप इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी था। ये तो हो गए हैं तैयार और अब मैं इनको निकालूंगी। जो बाकी के रह गए हैं वो मेरी बेटी बनाएगी क्योंकि उसको कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जब भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ तो बस मेरे पास आ जाती है, उसको होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ये तैयार हो चुके हैं और इतने खूबसूरत इसका जो कलर है ना, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे और इतने सॉफ्ट के बहुत ही टेस्टी ये बने थे। अब जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।